और हमारी तरफ से तो भूपेंद्र सिंह मलिक की जय हो। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मऊ आपके साथ अरुण दून। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन और जेजेपी के सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक विरोध दल का सिरसाठ गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं। मलिक साहब, सबसे पहले जो गांव के बुजुर्ग हैं चंद्र सिंह, जो कि 92 साल की उम्र है, वो उनको आशीर्वाद देने के लिए चौपाट में पहुंचे हैं। तऊराम राम है भूपेंद्र मलिक, तक के आशीर्वाद दिया आपने? दिया मैंने, आशीर्वाद दिया। अच्छा, कह रहेगा जीतेगा के जीतेगा? जीतेगा, 92 साल की उम्र है, आप इतनी दूर गर्मी में भी जीत का आशीर्वाद देना है क्या? 92 में तो 90 भी कूद रहे हो। 90 भी कूद रहे हो। बताओ आपका क्या नाम है? रेशपाल। तो बताओ भूपेंद्र मलिक का आशीर्वाद देना आए हो? हाँ, के रहेगा जीतेगा? जीतेगा, हाँ। चरसाठ गांव में मेरे मारे गांव मेरे जीतेगा जी। अच्छा, आई है और गांव का मैंने मेरे मारे गांव मेरे जीतेगा। अच्छा, सिरसाठ गांव में जीतेगा? जीतेगा। मास्टर जी, हाँ जी, बताओ आज पूरा गांव राम सिरसाठ यहाँ जीतेगा जी? इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, विरोधी हल्के का और खींच जावांगे? कितना बढ़िया है सारा ही बढ़िया है जी। क्यूकर लग गया? क्यूकर लग गया जी, इसके द्वार को चलिया गया ना, खाली नहीं आया जी। अच्छा, आज तक। अच्छा, और वो आदर करा इंसान का जो सही नहीं किसी। अच्छा, के पास ये जो कांग्रेस ने उतार दिए, बीजेपी ने, यही के सही नहीं। अच्छा, तो और किसकी देवा, कम से कम जाने पहचाने उम्मीदवार हैं जी, इस तन अलग हमारा गांव वोट देवा को ना। अच्छा, मंदिरों में नहीं आने देते। अच्छा, गांगोली गांव के हैं वो पंडित जी, गरीबों को मंदिरों में नहीं आने देते। अच्छा, और हमारी तरफ से तो भूपेंद्र सिंह मलिक की जय हो, जिंदाबाद रहेगा हमारी तरफ से यहाँ से। हाँ, सिरसाठ गांव से। अच्छा, क्या नाम भाई साहब? दिलबाग जी। बताओ भी हाड़ गांव वाले कह रहे थे पूरा दानवीर करण है, पूरे हल्के से जीतेंगे, जिन से बड़ी आदमी है कौन है? अच्छा, क्यों कर लग गया? जीतेंगे, जीतेंगे वोटा दे जीतेंगे। अच्छा, इनका रोजाना कति पूरा समर्थन है रे, पूरा समर्थन। हाँ जी, तुम्हारे साथ भूपेंद्र मलिक भी मौजूद है। मलिक साहब, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, परसों वोट डाली जाएंगी। हाँ जी, तो के उम्मीद लेके चल रहे हो सोनीपत लोकसभा में? भाई सोनीपत लोकसभा आगे नौ के नौ हल्कियों में गए, देहात के किसान मजदूर कमेरे गरीब आदमियों ने जो आज सोच लिया है, जो कभी से यहाँ देहात के लोग चुनकर जा रहे थे, गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठा करते, उन भाइयों ने सोच लिया ये जो व्यापारी और पुजारी आगे हैं, पिछले 10 साल से ये व्यापारी कुंडली मारे बैठे थे, और इन व्यापारी पुजारियों से छुटकारा मनाने दिलाने का मन सोनीपत लोकसभा आगे वोटर ने बना लिया है। और अब 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा चाबी का बटन दबा के इन व्यापारी पुजारियों से छुटकारा बनाने का मन बना लिया। जिस प्रकार से पहले जो एक चुनाव हुआ था भाईचारे का, तो ये उसी तरह एक भाईचारे का जो चुनाव बन गया, देहात में रहने वाले लोगों के भाईचारे का। मलिक साहब, जो जब आपने चुनाव प्रचार शुरू किया उस टाइम भी हम कवरेज कर रहे, अभी धीरे 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 आप जन समर्थन बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, सोनीपत की सीट पर पूरे आंकड़े ओलझ पड़ज हो गए। भाई ओलझ पड़ज क्या, ये जीतेंगे हम, बीजेपी से हम ही छुटकारा दिलाएंगे। और ये कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी कैंडिडेट ही नहीं यहाँ लोकसभा में, वो तो एक वहाँ से लाए हरिद्वार से मंदिर का पुजारी। अच्छा, उनको तो लोकसभा मिला ही नहीं उठाने के लिए कोई। तो आपका मानना है कांग्रेस जो है सोनीपत सीट से आउट होली, आउट है भूपेंद्र मलिक, बिल्कुल बड़ोली में चाल पड़े। हाँ, बिल्कुल, अगर बड़ोली को आप में पूरा मादा है, बिल्कुल हराएंगे, बिल्कुल देहात में रहने वाले किसान मजदूर हराएंगे बड़ोली को, वो कोई पुजारी थोड़ा हरा देगा, ये देहात में रहने वाले ये हराएंगे। एक बात आप और भी कहो भाई, ये जन सोनीपत लोकसभा आगे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, बड़ौदा हल्का और सोनीपत लोकसभा में मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो देहात के लोग बन के जाते थे यहाँ से, सबसे बड़ा ये किसान मजदूर का लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ से व्यापारी और पुजारी किस्म के ये लोग आने लगे, तो इनसे पीछा छुड़वाने के लिए आज देहात में और किसान मजदूर गरीब आदमियों में इस बात ने सोचा है कि अब ये मौका आया है इन व्यापारी पुजारियों से छुटकारा दिलाने का, सही अवसर है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, कुछ 6 घंटे बचे। मलिक साहब, सोनीपत लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील करेंगे, जो सोनीपत लोकसभा से जो किसान कमेरे मजदूर की आवाज़, देश की आवाज़ बनती थी,
उसको फिर से मजबूती देने का समय आ गया है। जो पिछले 10 सालों से व्यापारी पुजारी आए हैं, ये जो जिन्होंने किसान कमेरे मजदूर और देहात के लोगों की आवाज़ को दबाया है, उसको फिर से मजबूती देने के लिए चाबी का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जिता के दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाए। तो चाबी का बटन जनता ने दबाना है, कौन से नंबर पर है? ये 3रे नंबर पर है, पहली मशीन होगी उसमें 3रा नंबर है चाबी का बटन, ये दबाना है। और भूपेंद्र मलिक को जनता ने जिताड़ा है, बिल्कुल यही अपील करें हम अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता से ज़्यादा माताएं बहनें आई हैं, सबसे यही अपील है। गरीब मानस है जी, हर एक लाख का सम्मान करें जी। नायक माने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लो आए फिर गांव में लेडीज हम की स्त्रियाँ जिताओगे ने चाबी पर जी, चाबी पर, चाबी का निशान है जी। तो फिर कह रहेगा सर साठ गांव में लोग आइए, हमें जीतेगा जी, जीतेगा हाँ जी, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा बेटा। अच्छा फिर सारी बूढ़िया बाटिया बुआ तो बतला लागरी बुआ इकट्ठी करके डेरी जब बता है। अच्छा बुआ ने इकट्ठी करके ने अदर लगाया पूरा आशीर्वाद सर, बस चार पांच दिन।